नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत सिंह और आप देख रहे हैं डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। और आपकी वेबसाइट अगर बहुत देर से लोड होती है, स्लो है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट का लोड बिल्कुल कम करके वो वेबसाइट को जल्दी से लोड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कुछ वेबसाइट जो लोड देर से होती है, जिसका रीज़न होता है कि आपका जो कोड है वो बहुत लंबा कोड है, बहुत सारे उसमें स्पेसेस हैं, इस वजह से आपकी वेबसाइट देर से लोड होती है। तो उसके लिए आपको गूगल रिकमेंड करता है कि आपका जो CSS जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मिनीफाइड होना चाहिए, मीन्स बिना किसी स्पेस के। जैसे आप किसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसमें बिना किसी स्पेस के एक लाइन के अंदर कोड लिखा होता है, तो आपको भी वैसा कोड लिखना होता है। तो उस तरह से कोड लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगा 3 वेबसाइट जिसके अंदर आप CSS का और JSS के कोड को मिनीफाइड कर सकते हैं, मीन्स उसको उसके अंदर से बिल्कुल स्पेस हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपके को 3 वेबसाइट बता रहा हूँ और 3 वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप देखिए कि इसका यूज़ किस तीनों वेबसाइट का यूज़ कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट वेबसाइट है CSS मिनीफाइड। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है इनपुट CSS और मिनीफाइड आउटपुट। तो फ्रेंड, मैं अपने प्रोजेक्ट के CSS आपको मिनीफाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने CSS यूज़ करी हुई है, देखिए, और वो भी बिना किसी स्पेस के, और कितने सारा स्पेस भी घेर रही है, मीन्स 59 लाइन्स घेर रही है, जो कि लोड होने में बहुत टाइम लगाती है। तो मैंने अपना कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया मिनीफाई। आप कुछ वेट करेंगे लगभग दो से पाँच सेकंड का, और यहाँ पे CSS मिनीफाई होकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए, जैसे ये 59 लाइन्स का स्पेस ले रही थी, अब ये केवल 10 से 15 लाइन्स में ही क्रिएट हो चुकी है। और जब हम इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तो देखिए इसका स्पेस कितना कम हो चुका है, और इससे कि आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होती है। तो इसको अंडू कर लेते हैं, दोबारा कॉपी करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है minifier.org। फ्रेंड, इस वेबसाइट में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको CSS के साथ साथ JS को भी मिनीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट करते हैं जो अनमिनीफाई है। जब आप यहाँ पे कोड पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मिनीफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये मिनीफाई हो जाएगा, स्पेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट करके और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो फिर थर्ड वेबसाइट है cleancss.com। इसके अंदर ये जो आपको एरिया दिख रहा है वाइट वाला, यहाँ पे आप अपने CSS लिखेंगे, इसको CSS मिनीफाई पे क्लिक करेंगे, और नीचे देखिए एक लाइन के अंदर ही आपकी CSS आ चुकी है। आप इसको यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+A, Ctrl+C और आप इसके बाद अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आके Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं इस 3 वेबसाइट का यूज़ करके। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की कोड्स को भी मिनीफाई करना बताऊँगा। तो फ्रेंड, मैं अपना एक पूरा कोड उठा लेता हूँ और मैं इस वेबसाइट में आता हूँ जिसके अंदर JS और CSS दोनों का हम कोड को मिनीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड करके अपना कोड पेस्ट कर देता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट का है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ JS। जब मैं JS पे क्लिक करके मिनीफाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड भी मिनीफाई हो चुका है। हम इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में सेव करके यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।